हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट को प्राइम एंटीसर और रिलेटिवली प्राइम एंटीसर। टू एंटीसर ए एंड बी, टू एंटीसर्स, पहले फर्स्ट बी डिफाइन बेटा, को प्राइम एंटीसर क्या होते हैं। टू एंटीसर्स ए एंड बी आर सेट टू बी को प्राइम और ए is prime to b, a is prime to b। बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ a prime to 3, तो हम क्या लिखेंगे, a 3 का जो मैं लिख रहा हूँ बेटा greatest common divisor 1 होगा। तो हम क्या कहेंगे, two integer a and b set to be co-prime और a is prime to b if greatest common divisor of a b equal to 1। जो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 2, 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 3, 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 3, 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, तो इसको क्या बोलेंगे, को प्राइम इंटीजर बोलेंगे। 2, 3 को क्या बोलेंगे, को प्राइम इंटीजर। 3, 5 को क्या बोलेंगे, को प्राइम इंटीजर। 3, 4 को क्या बोलेंगे, को प्राइम इंटीजर। जब बोलेंगे 3 इज प्राइम टू बी। इसके बाद बेटा म्यूचुअली को प्राइम, म्यूचुअली को प्राइम एंटीसर्स बेटा ये क्या होते हैं, एंटीसर्स a1 a2 an अप टू आर सेट टू बी म्यूचुअली को प्राइम, म्यूचुअली को प्राइम एंटीसर्स। If A1, A2, A3, A1, A2, A3 up to An are co-prime in pair, are co-prime in pairs, क्या हो बेटा, co-prime हो in pairs। जैसे बेटा देखो 2, 3, 5 ये mutually co-prime है, because देखो 2, 3 का greatest common divisor 1, 3, 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2, 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये कह रहे हैं टीजर आर म्यूचुअली को प्राइम इन टीजर इफ a1 a2 an अप टू an आर को प्राइम इन पेयर्स। तो हम एक पॉइंट है बेटा, म्यूचुअली को प्राइम इन टीजर आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स मे नॉट ट्रू। जो म्यूचुअली को प्राइम इन टीजर्स हैं आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स मे नॉट। तो कैसे बेटा, मैंने इसको प्रूव करना है बेटा, म्यूचुअली को प्राइम इंटीजर आर ऑलवेज को प्राइम, मैंने प्रूव करना है a1 a2 an इक्वल टू 1। ओके, लेट मैंने लिया a1 a2 an किसके इक्वल लिया, d डिवाइड a1 डी डिवाइड a2 अप टू डी डिवाइड an। म्यूचुअली को प्राइम का मीनिंग क्या था बेटा, ये आप इसमें पेयर क्या हो को प्राइम, जैसे ये बताया मैंने बेटा, तो डी डिवाइड a1 a2 d इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या करेगा, डिवाइड, तो डी डिवाइड 1 बिकॉज a1 a2 ये क्या है 1, a2 a3 a1 a3 a1 a4 सभी क्या है 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 1, तो d किसको डिवाइड कर रहा है 1, डी क्या है पॉजिटिव, तो डी की वैल्यू क्या होगी 1, यदि डी की वैल्यू 1 है यही प्रूव करना था। अब कन्वर्स मे नॉट ट्रू बेटा, कन्वर्स के लिए मैंने क्या रखा बेटा, जैसे मैंने कन्वर्स मे नॉट ट्रू कहा ना, वैसे हम ये देखे तो ट्रू है बेटा, बट ऐसी भी एग्जांपल है जैसे मैं ये ले रहा हूँ बेटा, देखो मैंने ले ली बेटा 3, 5, 6 एग्जाम्पल ले ली, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है बट 3, 6 का 3 आ रहा है। Means mutually co-prime integer is always co-prime, but यदि co-prime है तो हम ये नहीं कह सकते हो mutually co-prime integer, converse may not true। इसके बाद बेटा एक कुछ इसके results हैं co-prime integer के, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ important results। जो first है, जैसे हमने greatest common divisor में पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था,
यदि ग्रेटेस्ट कॉमनवाइजर क्या है बेटा, डी इज ए ग्रेटेस्ट कॉमनवाइजर ऑफ ए बी, तो इसको क्या लिखा था हमने, ए एक्स प्लस बी वाई। ऐसे सेम यहाँ पे बेटा थ्योरी फर्स्ट बेटा, ए बी सी आर इंटीजर नॉट बोथ जीरो, ए बी इक्वल टू वन इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एक्स वाई आर इंटीजर सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, जैसे इसमें प्रूव किया था। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी वन, हमने जहां प्रूव किया बेटा, सो वी राइट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई मैंने वन ले लिया, मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, ए बी इक्वल टू वन। टू प्रूव ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन, लेट ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने डी ले लिया, डी डिवाइड ए डी डिवाइड बी, तो डी किसको डिवाइड करेगा ए एक्स, बी किसको डिवाइड करेगा बी वाई, तो डी किसको डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये किसके इक्वल है वन, तो डी डिवाइड वन, तो डी वन को डिवाइड करा डी पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू क्या आ गई वन। यही हमने क्या करना था बेटा प्रूफ। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर टू, ए डिवाइड के बी डिवाइड के इफ, ए डिवाइड के बी डिवाइड के, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन देन ए बी डिवाइड के। बेटा ये कंडीशन बहुत नेसेसरी है, ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी इक्वल टू वन, यदि ये नहीं है तो हम ये लिख नहीं सकते बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, देखो 4 डिवाइड 12, 6 डिवाइड 12, 24 डज नॉट डिवाइड 12, बट यदि 2 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 12, 2 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1, तो 6 भी 12 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये बेटा नेसेसरी कंडीशन है भी, ए बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी क्या होना चाहिए बेटा 1, तो हमें ये प्रूव करना है ए बी डिवाइड के। तो कैसे प्रूव करना, देखो ए डिवाइड के बी डिवाइड के, तो वी राइट के इक्वल टू ए के 1, के इक्वल टू बी के 2, ओके ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 यूजिंग दिस थ्योरम, ओके। तो मैंने k के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, a के साथ मल्टीप्लाई किया, a के x b के y इक्वल टू k, बिकॉज मैंने ये प्रूव करना ना a b डिवाइड k, तो मैंने k के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पुट की, ये a b k 2x, यहाँ पे k की वैल्यू ये पुट कर दी है a b k 1y, तो ए बी कॉमन, के वन भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, के टू भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो ए बी डिवाइड दिस, तो ए बी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, के को। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट थर्ड थ्योरम वो क्या है, ए बी का इफ ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या प्रूव करना है बेटा, ए सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, मैंने ये प्रूव करना है, ओके। ए सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है वन, तो यदि सी बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन, ए एक्स बी की वैल्यू सी के वाई इक्वल टू वन, ए एक्स सी के वाई को मैंने वाई डैश लिख दिया, तो यही कंडीशन बनगी ना बेटा, जैसे ये लिख दिया यदि दिस वन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, तो यहाँ पे एक्स भी इंटीजर है, वाई डैश भी इंटीजर है, तो ए सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ गया बेटा वन। नेक्स्ट है बेटा, ओके नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं और कंटिन्यू करूंगा रिजल्ट, सो थैंक यू वेरी मच।